हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। डेवलपर टैब एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 या अपर वर्जन यूज करते हैं तो इस तरह से आएगा और यहां पर कहीं भी आपको डेवलपर टैब नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इस कंडीशन में दिक्कत ये आती है कि हम डेवलपर टैब अगर हमें चाहिए, हमें विजुअल बेसिक का कोड लिखना है तो वह एक्टिवेट कैसे होगा, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो चलिए आज इसी पर डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि डेवलपर टैब कहां से जाके एक्टिवेट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी फाइल पे जाते हैं तो यहाँ पर फाइल पर जाने के बाद आपको यहाँ अकाउंट दिखाई पड़ता है और नीचे यहाँ ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये एक्सेल ऑप्शन वाली विंडो ओपन हो जाती है। दूसरा तरीका क्या है, किसी भी मेन्यू पर चले जाइए, ये फाइल है ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ये है ना, यहाँ पर जाइए, जैसे होम एक्टिवेटेड है, यहाँ पर गए या फिर फाइल पे गए, कहीं भी जाइए आप, इसी पर जाकर के राइट क्लिक कर दीजिए तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कस्टमाइज रिबन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये तरीका है ठीक है इसको ओपन करने का। अब यहां पर चलिए यहीं से राइट क्लिक कर लेते हैं, इस तरीके से यहां आ जाते हैं ठीक है। अब हमें चलना है डेवलपर टैब पर, तो डेवलपर टैब हमें मिलेगा कहां, ये कस्टमाइज, यहां पर आ जाइए कस्टमाइज रिबन पर। कस्टमाइज रिबन पर जैसे ही आएंगे तो आपको ये तमाम ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे और यहां पर साइड में दिखाई पड़ेगा कस्टमाइज द रिबन। इसमें नीचे आते चले जाइए और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा डेवलपर, तो इस पर आपको कर देना है टिक। अगर आप विजुअल बेसिक का कोड लिखना चाहते हैं या किसी और यूज के लिए डेवलपर टैब को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहां पर टिक कर दीजिए, बस ओके प्रेस कर दीजिए। देखिए डेवलपर टैब एक्टिवेट हो चुका है ठीक है। अब आप विजुअल बेसिक कोड आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो ये था तरीका जिसके थ्रू आप डेवलपर टैब को एक्टिवेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्जन में। तो बहुत ही आसान है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।